आज का हमारा टॉपिक है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के लिए बतौर ड्राई टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए साल्ट की कंसंट्रेटेड एसएल के अंदर थिक पेस्ट बनाते हैं, उस पेस्ट को प्लैटिनम के लूप के ऊपर लगाते हैं, फिर उस प्लैटिनम के लूप को बंसन बर्नर के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसको जलाते हैं और उसका कलर नोट करते हैं। कलर दो तरह से नोट करते हैं, विद नेकेड आई आम आंख के साथ, और दूसरा कलर विद ब्लू ग्लास के साथ। दोनों के कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अगर तो नेकेड आई के साथ ब्लूश ग्रीन कलर हो और ब्लू ग्लास के साथ ब्लू कलर हो तो कॉपर साल्ट है। अगर नेकेड आई के साथ ब्रिक रेड कलर हो, ब्लू ग्लास के साथ लाइट ग्रीन कलर हो तो कैल्शियम साल्ट है। अगर नेकेड आई के साथ क्रिम्सन रेड कलर हो, दूसरी तरफ पर्पल कलर हो तो स्ट्रॉन्शियम का साल्ट होगा। अगर नेकेड आई के साथ ग्रासी ग्रीन हो, ब्लू ग्लास के साथ ग्रीन कलर हो तो बेरियम का साल्ट है। अगर नेकेड आई के साथ परसिस्टेंट गोल्डन येलो कलर हो और ब्लू ग्लास के साथ कोई कलर ना हो तो सोडियम का साल्ट होगा। अगर नेकेड आई के साथ वायलेट कलर हो और दूसरी तरफ पिंक कलर होगा तो पोटेशियम का साल्ट है। हम मुतलका साल्ट का एसएल के अंदर इसलिए पेस्ट बनाते हैं कि जो भी बेसिक रेडिकल्स होगा वो अपने क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोराइड जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है। यही वजह है कि जैसे ही उनको हीट करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो मखसूस कलर वो शो करेंगे जिससे उस रेडिकल को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके।